जी अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो आगे सुबरात आने वाला है तो हम हर तरह तरह के हलवे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने सूजी का हलवा को किस तरह से बनाया। तो सबसे पहले हमने पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब हम इसमें 250 ग्राम सूजी डालेंगे। सूजी को हमें घी के साथ भूनना है। तो घी को अच्छे से मिला लेना है ताकि हमारी सूजी बहुत अच्छे से गोल गोल हो जाए। सूजी जब भुनने लगती है तो गोल गोल हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल खिली खिली सूजी हो चुकी है। अब हम इसमें 2 इलायची को अच्छे से ठेच के डालेंगे। 250 ग्राम खोए को हम घी में भून के डाले हैं। तो खोए में बहुत अच्छा खासा घी है और हम खोए के साथ सूजी भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये कैरेमलाइज हलवा है तो हम शक्कर भी इसी में डालेंगे, थोड़ी कैरेमलाइज करेंगे तो इससे बहुत ही लाजवाब हलवा बनके तैयार होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो 250 ग्राम सूजी में हम 250 ग्राम शक्कर डालेंगे और ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए सूजी भी लाइट गोल्डन हो गई है, खोआ हमारा गोल्डन था तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गया। अगर आप कच्चे खोए के साथ भी भूनेंगे तो सूजी और खोआ साथ में ही गोल्डन हो जाएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप हमने भर के डाला है, दूसरा हमारा वो भी भर के डाल दिए है। तो 2 कप पानी डाले हम, बड़ा वाला कप का मेजरमेंट है। तो हम इसमें ऑरेंज या रेड फूड कलर डालेंगे, जो कलर आप पसंद करते हैं वो। अभी हमने इसके बाद येलो वाला भी हलवा बनाया है तो पहले हम रेड वाला हलवा आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। अब हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे, तो 3 ड्रॉप डालेंगे हम और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो पानी हमें कम लग रहा है तो हम 1 कप पानी और डालेंगे, क्योंकि हमें ये हलवा बिल्कुल स्टिकी और गीला बनाना है। तो हमने 3 गिलास यानी 3 कप बड़ा वाला भर के पानी डाला है और हमने इसे लो टू हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। फिर लो फ्लेम पे हम छोड़ दिए थे जब तक ये 2-3 बार हमने चला लिया था। अब ये देख सकते हो हलवा धीरे धीरे पका है और बिल्कुल पैन इसने छोड़ दिया है। आप देख सकते हो साइड से घी बहुत ज़्यादा इसमें, देखिए पैन छोड़ दिया है ये, और हमारा हलवा बहुत ही स्टिकी तैयार हुआ है। ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें गोंद डाला हुआ है। और ये हलवा पूरी जो मेले में मिलती है वो वही हलवाई का टेस्ट है। आप खाओगे तो लगेगा कि बस वहाँ से ही लाए, घर पे बनाया ही नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अब 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो देखिए ये और भी खिल गया, तो हम इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेंगे, पिस्ता बादाम काजू के साथ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही गजब का हलवा बनके तैयार हुआ है, बहुत ही स्टिकी स्टिकी है लेकिन हाथों में चिपकेगा नहीं, इसमें घी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे हाथ में घुमाते जाओगे तो यह कोई भी आकार का बनेगा, लड्डू बनाओगे तो भी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें घी है। तो देखिए हमने बहुत ही प्यार से सर्व किया है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, और ये प्यारा सा हलवा ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हम इसके साथ पराठे भी बनाए हैं तो हमने हलवा पराठा ही बनाया है, और हम हलवा पराठा बनाते हैं मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप भी ट्राई करिए। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।